हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस सीडी में हम देखेंगे, आज साल का पहला दिन है तो ये साल का पहला दिन, ये नया साल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है, ठीक है। क्या कुछ आ रहा है आपके लिए हम देखते हैं। आपको ओपन मार्क रीडिंग को देखना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं नए साल में आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग करा ले सकते हो। आपको जो कुछ भी जानना है आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस नए साल में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, तो यस, यहाँ पे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपको कार्ड्स को भी देखना होता है, ओके। कार्ड्स को भी देखना है ताकि आपको फील हो कि ये आपकी एनर्जीज है। ओके, अब कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करें हमें ट्रू मैसेजेस दे, क्या है नए साल की ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, वेरी नाइस, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ पे और बॉटम में है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली साइंस बता देती हूँ, आप जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे ही नंबर्स आ चुके हैं, तो इतने सारे कार्ड से तो नंबर सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर नए साल के ब्लेसिंग्स की बात करूँ तो सबसे पहले आप जिस चीज़ में आप सोचो कि आप किस चीज़ में जस्टिस चाह रहे हो, ठीक है, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलने वाला है। आप अगर आप किसी को डोमिनेट करना चाह रहे हो, आप किसी के ऊपर जीत हासिल करना चाह रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपके कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ काम रुके हुए हैं, अगर आपका कुछ फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं रिलेटिव में, या फिर आपका किसी भी चीज़ में, ठीक है, वहाँ पर आपको जो जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है आप उनके ऊपर जीत हासिल करोगे। और वहाँ पर मतलब अगर दो दो पार्टीज़ है वहाँ पर, ठीक है, कोई आपके अपोजिट भी खड़ा है ना, आप उसके ऊपर भी जीत हासिल करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके वर्क प्लेस में आप जो चाहते हो वैसे आपको अपनी कंडीशंस के जैसे मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे अपने काम के लिए, अपने सक्सेस के लिए आप दिल से मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आप अपने कंडीशंस के हिसाब से, मतलब जो आप उम्मीद रख रहे हो ना कि मुझे मेरे काम से ये ऐसा मिलने वाला चाहिए, मुझे मेरे काम से ऐसा मिलना चाहिए, इतना मुझे मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए, इतना पेमेंट मिलना चाहिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे जो कि दिल से जैसा चाहिए वैसा पेमेंट मिलता नहीं, सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं है, तो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है नए साल में, ठीक है। आप जहाँ पे जाना चाहते हो, अगर आपका कहीं पर ट्रैवलिंग का दिल करता है, आपका बहुत दिनों से जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे यहाँ पर जाना है, कोई पिकनिक, कोई सेलिब्रेशन, कहीं घूमने जाना है, तो वहाँ पर जो आप जाते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाने की आपकी इच्छा कंप्लीट हो रही है। आप सोचो आपको दिल से जहाँ पे जाने की उम्मीद है ना, वहाँ पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो कंफ्यूजन था, ठीक है, जैसे कि आपके पार्टनर, आपका लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो आप जो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हो ना, उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचने से आपको रिलीफ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जो है अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने लिए वर्क करना चाह रहे हो, कौन थर्ड पार्टी, कैसी थर्ड पार्टी, आप इस तरह से मतलब पॉजिटिव होके कि मुझे अब किसी थर्ड पार्टी की कुछ पड़ी नहीं है, और आप जो है थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है।
आपको ये पता है दिल से, आपको इस तरह से फील हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है, जब तक आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक आपका लव पार्टनर आपकी कंडीशंस नहीं मानेगा तब तक जो है आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। और आपको इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि आपका लव पार्टनर आपके पास डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि वो आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है और इसीलिए जो है आप अपने अपने लव पार्टनर को अपने दिल में बिठा के जो कि विश्वास कर लिया है कि आएगा तो डेफिनेटली, तो ये बात अपने दिल में रख के थर्ड पार्टी को भूल भाल के आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अपने इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करके आप जो है अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और बहुत ज़्यादा फाइनेंस आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि आप पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते थे कि पता नहीं कभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी भी कि नहीं, तो आपके लाइफ में जो है सक्सेस एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ये दिल से पता है, आपको ये फील भी होने लगा है कि आपकी जो भी लव लाइफ है ना वो अब बहुत जल्दी सेटल होने वाली है, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेके आपके पास आने वाले हैं, ये आपको फील होने लगा है और इसीलिए जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपकी मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहेगी आपको पार्टनर को लेके, लव पार्टनर को लेके, लेकिन फिर भी आपकी रातों की नींद भी उड़ेगी ना, लेकिन फिर भी आप जो है एक फेथ में जी रहे हो और आप जैसे कि आपको दिल से उम्मीद तो है जस्टिस की, ठीक है, तो जस्टिस भी आपको मिलेगा आपके लव लाइफ में, ये भी आपको पता है क्योंकि आप जो है खुद उसके ऊपर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जीत इस तरह से कि आप अपने का पार्टनर के ऊपर जो कंडीशंस आपने बना के रखी है ना, वो कंडीशंस जो है आपके पार्टनर किस तरह से मानते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये आप जो है देखोगे खुद और आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे कि जो आपके पार्टनर बता रहे हैं ना वो अगर उस तरह से आप उनके साइड से खुद सोचना स्टार्ट करोगे और जो कि मानकर इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, आपका लव लाइफ से रिलेटेड रिश्ता जो है वो लव लाइफ से रिलेटेड जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना वो सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका रियूनियन बहुत सारा, अगर लव लाइफ से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लव लाइफ में मतलब सेलिब्रेशन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो है रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है और जो तकलीफ आपको हो रही थी 10 of Swords वाला पेन, आपको जिस भी चीज़ में जो ज़्यादा तकलीफ है, आप सोचो कि आपको किस चीज़ से क्या तकलीफ है, कौन सी ऐसी बातें जो आपको इतना तकलीफ देती हैं, वो बातें जो है अब ठीक होने वाली है, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। आपको गॉड बता रहे कि आपको सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला है, इन सपनों के लिए आपको वर्क करना है, जो कि आप दिल से करोगे और ये वर्क करते हो आपको जो चाहिए वो भी मिलेगा आपकी लाइफ में, जॉब में सेटिस्फैक्शन और लव लाइफ भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आपका हर एक सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आया है, बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आया है, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली लाइफ और आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिलते हुए इस नए साल में दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेंथ बना के जो है पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओवरऑल बहुत ही मतलब मैं इतना ही बोलूँगी कि देखो आप अच्छे से बैलेंस बना लोगे, ठीक है। आप अपने फैमिली लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने लव लाइफ में और अपने मतलब जो है आप हर साइड से बैलेंस कर अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो मुझे दिखाई दे रहे हो और आपका ये साल जो है ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। कि जॉब से रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो सॉल्व हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस साल कमाना स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस साल की शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बैलेंस बनाकर जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यस, बहुत सारे लोगों की जो शादी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अनमैरिड होना तो आपकी शादी डेफिनेटली फिक्स हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी एक और गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है। अनमैरिड हो तो शादी तो हो जाएगी, ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको गुड न्यूज़ भी आएगी, बहुत ज़्यादा दिल से ये रिश्ता आपका स्टार्ट होने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। आपके पार्टनर की इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये जो है आपको ऑफर करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छे एनर्जीज आ चुकी है, तो ये नया साल आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, तो आपको हैप्पी हो जाना है, ठीक है। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।